अच्छा अब आपके पास ही शादी है, आपके बिग नोज क्या है? अच्छा चले जी, मेरे बिग नोज क्या है? आया 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 लौकी का सूप। अरे यार ये हम सुनते रहते हैं दुनिया में कि ये आप वेट लूज कर ले, आप ये किससे ही हो जाएगा। मैंने ये खा लिया, मतलब खा लिया नहीं पी लिया, लिया। हाँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 5-6 दिन है कर लेंगे, ब्लड प्रेशर तो लो करना करना। इसने जो मेरे साथ गैसेस और जो मुझे आपकी सोच है, मैं कभी गुड़ूम कभी गुड़ूम यहाँ घूमूं कभी मैं वहां फिरूं। अच्छा मैं कहूँ पहला दिन है ना तो कोई चीज आपकी बॉडी को चेंज करती है। कोई नहीं, हम भी ये भी अपने भी बड़े तजुर्बे करते हैं। दूसरा दिन, अच्छा पहले कॉन्स्टिपेशन का मरीज हो तो उसको तो वैसे ही आपको ना बड़ा सोच समझ के चले, अब वो मेरे दिमाग को ही चढ़ना शुरू हो गई। तो भाई मेरे लिए लौकी का सूप बिग नो है। मैं अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती हूँ, बट नो लौकी। आपको हो सकता है सूट कर तो आप करें, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको गैसेस हो रही हैं, आपके आपको दर्द होना शुरू हो गया है, तो प्लीज जो चीज आपको लग रहा है कि जी निदा को इसको या इसको सूट, ओ भाई मुझे भी नहीं करता, आपको भी नहीं किया। मैं तो लौकी और टिंडे का पानी किसी ने का पका के पी लिया ना, सेम ही चीज। मैं तो बेहोश, बेहोश हो गई। लो तो होनी होनी, शुगर लो, बीपी लो, दोनों बहुत शरीर, बीपी लो, बीपी लो, मेरी सांस लेती थी, बीपी लो, ठीक है। ये क्या है? गोल्ड फिश। मेरी स्किन आप सबने बहुत दफा इसी चैनल के थ्रू देखी हुई कि मैं बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी स्किन पे कोई निशान नहीं है। आलिया की शादी में मैं अमेरिका में थी, शोज करने गई हुई थी, तो वहां से जिस दिन मुझे आलिया की पहुंचना था इवेंट पे तो माइयों थी, तो मेरी फ्रेंड है वहाँ अदीला, उसने कहा शादी जाते जाते ना तुम एक काम करो, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है ये बड़ा अच्छा गोल्ड फेशियल करती है, ये करवा दो। अच्छा मैं कभी अदीला की बात नहीं यकीन करूंगी, अदीला जी दोस्त है मेरी, उस बेचारे को खुद करवाते उसको तो कुछ नहीं। मैंने कहा हाँ यार अमेरिका है, चीजें भी खराब नहीं होती। अच्छा हमने आज तक 22-23 साल मैंने महरोज के अलावा फेशियल कभी नहीं कराया, मैं स्किन को छूने ही नहीं देती अपने किसी को। मैं सुकून से थोड़ी देर बाद मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया, वो बता रही है ये 24 कैरेट गोल्ड है जो मैं आपके ऊपर, मेकअप पता नहीं उन्होंने शादी में हम समझ के ज्यादा लगा दिया, ज्यादा गोल्ड लगा दिया। पाकिस्तानी सैलून पे नहीं, नहीं वहाँ के जो एक अमेरिकन, आगे तो चलो आगे बताओ क्या हुआ। वो तो मैं करवा के फ्लाइट में बैठ गई क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, उससे कहा जाओगी तो बाय द टाइम, क्योंकि मुझे होता है मेकअप उसके बाद ना करें, मैं यहाँ भी फेशियल या हेयर डाई करूँ तो मैं ब्लो ड्राई नहीं कराती, अब फेशियल मेकअप नहीं करती। मैं जहाज के अंदर ना मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ यहाँ गोली यहाँ गोली, मैं कि क्या हो रहा है, दाने हो गए, दाने इतने मोटे मोटे दाने, गोल्ड गरम होता है। जिस वक्त मैं पहुंची हूँ ना, आलिया मुझे एयरपोर्ट लेके थी, तुम्हें क्या हुआ? मैं कहा पता नहीं आला मेरे गोल्ड फेशियल करा। अरे तुम्हें किसने कहा था सोना सोना मुंह पे लगाने को, साले पहनने को मिल नहीं रहा, तुम मुंह पे लगाए जा रहे सोना। मैं पूरे मुंह पे, पूरी आलिया की शादी मुझे याद है वकार ने मेकअप किए थे उन दिनों, और वो कह रहे क्या करके लाएंगे अपनी स्किन, इतने मोटे मोटे दाने हाल। तो मेरी स्किन को किसी किस्म की चीज सूट नहीं करती, कुछ नया मैं कर लूँ नहीं सूट करता मेरी स्किन। लोग कहते हैं ना कि मुंह पे ये मल ले वो मल ले, तो वो नहीं हो पाता। तो मैं प्लीज सेम यही चीज बेसन, भाई की शादी तुम्हें याद है मेरे भाई की शादी, बेसन बेसन मल लिया, हमने भी कहा हम भी मुंह पे मलेंगे, सेम यही हुआ, बेसन ने हमारे पूरे मुंह पे रैशेस डाल दी। तो किसी किस्म का अच्छा वजह है आपकी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन सेंसिटिव है शायद इस मामले में, नहीं कभी आप ज्यादा यूज भी नहीं करते ना, नहीं और मैं चीजें यूज नहीं करती, ओवर सेंसिटिव है ना मैं, और मैं चीजें यूज नहीं करती, मैं नॉर्मल चीजों में रहती हूँ। मैं बहुत आपको पहले भी किसी ने मुझे कहा मलाई लगा लो, मैंने बहुत ब्रांडेड चीजों में मैं नहीं जाती, मामू की शादी से पहले मैंने ना मलाई वलाई लगा के फुल, अल्लाह ये जो इनके दाने उधर हुए मेरे मामू की शादी पे, तो मैं ऑयली ऑयली स्किन है तो भी नहीं लगा, और मैंने लीमू में नहीं डाला लगाने, इतनी बदबू सूंघी मलाई की बर्दाश्त की, ये काली मसूर की दाल मेरे लिए बिग नो है, वेरी वेरी बिग नो, से मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती मेरी बॉडी में, मुझे खुद बहुत पसंद थी जब तक नहीं पता था खाने में, हाँ खाने में तो मरोड़ मरोड़ होता होगा ना मरोड़ने पड़ते हैं, इसकी वजह से एक तो मेरी बॉडी स्वेल होना जो मैं आपको बीच में डिस्कस करती, दो चीजें मैं आपको फौरन दिखाना चाहूंगी, इसको निकल देना पकड़ना जरा बहन तू धार बचे, एक ये और एक ये डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको आप लोगों को याद है मेरे इन्हीं शोज में मैं आपको कहती थी कि मैं दही और दूध के बगैर मैं नहीं रह सकती, मैं वो लड़की हूँ जो जिसका दिन का खाना दही होता था और दूध मेरे लिए बिल्कुल ऐसे जैसे पानी, याद है तो मैं कहती दूध पानी।
मुझे अब जाके पता चला जब मेरी वाटर टेंशन, जो मेरा फेस सूज जाता, आप लोगों ने देखा होगा मेरी बॉडी में हर वक्त जो स्वेलिंग रहती थी वो डेयरी प्रोडक्ट से। डेयरी प्रोडक्ट काली मसूर की दाल और बड़ा गोश्त। मुझे अच्छा ये पता, हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है कि किससे एलर्जी है किससे नहीं, वेस्ट में तो आपको पता चल जाता है। बड़ा गोश्त में नहीं खा सकती। बड़ा गोश्त से क्या होता है आपको? मसूड़े एक तो स्वेल हो जाते हैं। बिल्कुल आप डेयरी प्रोडक्ट्स में आप सोचे हर चीज ही आ गई, मतलब उसमें वो जो नहीं। अभी उन्होंने कहा आपने 6 महीने तक इसको बिग नो, तो आप ना दूध पीती हैं ना कुछ दही नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा अभी आप वीगन हो गई हैं। वीगन जी हाँ, अच्छा वीगन भी नहीं हुई। वीगन में से भी लौकी निकल गई। लौकी निकल गई। अभी मैं बताती हूँ दाल निकल गई। मैं किसी भी किस्म की गोभी नहीं खा सकती। गोभी से लेटस वगैरह कुछ भी खाती क्या हो शादी? गोभी बैंगन मैं नहीं खा सकती, गोभी मैं नहीं खा सकती। सेम वही मुझे उसकी वजह से गैसेस होना शुरू हो जाती है, मेरी बॉडी स्वेल होना शुरू। देखिए पहले तो ये अकल ही नहीं थी ना कि आप ये, हम नहीं कहते थे यार सुबह सुबह उठते फेस सूज जाता है। गोभी वगैरह सबको ही गैस होता है। नहीं नहीं, मतलब इसको पे एलर्जी है। देखो एलर्जी है मुझे फूड एलर्जी। तो बचा क्या? टैबलेट खा के खाया। मैं तो खाती क्या है नहीं, खाने में मटन बचा, चिकन बचा जो मैंने कभी नहीं खाया, तुरैया बची, आपके पास टिंडे बचे, बहुत सारी चीजें, आलू है, भिंडी है, आलू मना, आलू भी, अच्छा, आलू भी जिंदगी से निकल गया। मुझे लगता है इसको सारी जो वो है ना जितनी भी, तो अभी उन्होंने कहा आपने 6 महीने तक ये चीजें नहीं खानी, क्योंकि हम इसको अभी सिर्फ इस रीचेक पे रखा हुआ है कि कितना आपकी जिंदगी में रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो ये एक अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।